हेलो गाइस, देखो मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत तगड़ी मोमेंट वाली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तगड़ी और फास्ट मोमेंट कैसे करेंगे और जो है फास्ट ग्लू कैसे लगाएंगे, फास्ट इमोट कैसे दिखाएंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपका 4 GB रैम का फ़ोन है या 2 GB रैम का है या 6 GB रैम का है, उसकी सारी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। आपने कुछ नहीं करना है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं डालनी है, कोई अदर से ऐप नहीं डालनी है, आपने सिर्फ डेवलपर ऑप्शन में डाल जाना है और उसमें सेटिंग करनी है। और सिर्फ आप ये सोच रहे होंगे कि DPI बढ़ा के, सिर्फ DPI बढ़ा के कोई मोमेंट फास्ट मोमेंट नहीं होती, उससे DPI से जो है सेंसिविटी अच्छी हो जाती है, पर आपकी फास्ट मूवमेंट नहीं बढ़ती। वो फास्ट मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा, डीप डेवलपर ऑप्शन में जाके आपने क्या सेटिंग करनी है और क्या आपने आगे करना है। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और आप पूरी वीडियो देखना। तो चलो जल्दी से सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद वर्ज़न में बिल्ड नंबर आएगा, बिल्ड नंबर पे 2-3 बार टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। मेरा खुला हुआ है, मैं बैक चले जाता हूँ और फिर यहाँ सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, ये आ गया डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आपने जाना है, यहाँ पर ढूंढना है ग्राफिक ड्राइवर करके कुछ है, ग्राफिक ड्राइवर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, देखो ग्राफिक ड्राइवर परफॉर्मेंस, इसमें चले जाना है। ये खोलने के बाद इसमें यहाँ पर आ जाएगा फ्री फायर मैक्स। देखो फ्री फायर मैक्स खोलना है। इसके बाद यहाँ देखो ये डिफ़ॉल्ट पे हो रखा है सिलेक्ट, आपने करना है सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पे। ठीक है, आपने कहाँ करना है, सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पे। ये सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पे हमने ओके कर दिया और इसके बाद बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने DPI देखनी है, DPI कितनी है। DPI इसकी देखो, इसकी है 420। ठीक है, DPI है इसकी 420 ही रहने देना है अगर आपका 6 GB रैम वाला फ़ोन है। ठीक है, 420 ही रहने देना है। अगर आपका 2 GB वाला रैम का फ़ोन है तो आप 2 GB रैम में आप बढ़ा सकते हो 400 तक, और आपका 8 GB रैम वाला फ़ोन है तो 500 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर DPI भी ज़रूरी है इसके हिसाब से, क्योंकि सेंसिविटी भी चाहिए। ठीक है, मैं अपना फ़ोन दिखा देता हूँ, मेरा फ़ोन कितनी GB रैम का है। ये देखो मेरा फ़ोन है, ये आ गया रैम, देखो 6 GB रैम का है मेरा फ़ोन। ठीक है, और आपने फिर इसके बाद सीधा ये बढ़ाने के बाद इसको एक्सिट कर देना है और गेम में चले जाना है। फिर आपने खुद ने चेक करना है कि मेरी गेम की सेटिंग या सेंसिविटी कैसी कितनी बड़ी है, आपने खुद ने चेक करना है। खुद आप मुझे बताना कि मेरा गेम कितना अच्छा हो गया पहले से। ठीक है, नहीं आपने एकदम फास्ट मूवमेंट करनी है, और शुरू में क्या होगा, आपके सेंसिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और ग्राफिक भी अच्छे हो जाते हैं तो कंट्रोल नहीं हो पाती। आपको 2-3 मैच खेलने हैं तो उसमें टाइम लगेगा आपको, क्योंकि एम लॉक होने में टाइम लगता है शुरू में, एकदम से सेटिंग चेंज होती है। तो आपने इसको वेट करना है, थोड़ा 2-4 गेम खेलने, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपका गेम प्ले कितना अच्छा हुआ और कितना बढ़िया हुआ और क्या दिक्कत आ रही है आपको। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इस पर और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आप इस पर मुझे और सब कुछ बताना, आपके गेम प्ले में क्या दिक्कत आई और क्या कितना इम्प्रूव हुआ, कितना अच्छा हुआ, हेड पे लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।